आप लोग अपना मोबाइल रिचार्ज पेटीएम गूगल पे फोन पे बाहर दुकानों से करवाते ही होंगे। क्यों, क्या हुई? हुई ये कि आप लोग अपना नुकसान करवा रहे हो। आप लोग को मैं दो फायदे बताने जा रहा हूँ जिससे आप लोग अपना नुकसान नहीं करवा सकते हो और पैसा अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे करना है। तो पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको क्या करना है, मोबाइल रिचार्ज कमीशन ऐप को इंस्टॉल करना है। मोबाइल रिचार्ज कमीशन ऐप को इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको ईमेल आईडी डालेंगे, अपना नाम डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कर देंगे रजिस्टर्ड। पासवर्ड डालने के बाद उसको कर देंगे रजिस्टर्ड। रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। ओटीपी आने के बाद यहाँ पे ऑटो फिल कर देंगे, ये आ गया ओटीपी, और इसको कर देंगे रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, पोस्टपेड, प्रीपेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम गैस की भी बुकिंग कर सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ से हम गैस की भी बुकिंग कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कमीशन क्या है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल का कमीशन क्या है, कितना परसेंट कमीशन है, किस सिम पे। एयरटेल पे 2.5% कमीशन है, बीएसएनएल पे 4% है, बीएसएनएल टॉपअप पे 4% है, आइडिया पे 3.5% है, जियो पे 2% है। तो इसको करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, पैसा अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना ही रिचार्ज नहीं, यहाँ पे हम दोस्तों का भी रिचार्ज कर सकते हैं और बाहर किसी का भी रिचार्ज कर सकते हैं और पैसा अर्न कर सकते हैं दोस्तों। इनसे अपना रिचार्ज कीजिएगा और पैसा अर्न कीजिए दोस्तों, मैं आपकी सेविंग बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।